नमस्कार दोस्तों, टेक अर्चना चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि इस तरह का एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने भी यूट्यूब पर ऐसी एनिमेशन वीडियो देखी होगी। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसी एनिमेशन वीडियो के साथ अपना वॉइस ऐड करके अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं, पर बहुत लोग सोचते हैं कि क्या हम मोबाइल से ऐसी एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं मोबाइल से, चलिए जानते हैं। तो ऐसी एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए जिस ऐप की जरूरत पड़ेगी, उस ऐप का नाम है बनाई मैप। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी और इसका प्रो वर्जन भी आता है। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिया रहता है और वीडियो बनाने में आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है। तो इसे कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले इसे यूज करने के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड करके भी करेंगे ये क्या जब यूज करना नहीं आता हो। तो सबसे पहले यूज करने के बारे में जान लेते हैं। तो अब जब इसे आप ओपन करेंगे तो ऐसा पेज आएगा और यहाँ पर नीचे एक प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है फर्स्ट में और यहाँ पर नेम योर मूवी लिखा हुआ है। तो जो भी आप वीडियो को बना रहे हैं उसका नेम यहाँ पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर टैप कर ले रही हूँ, टेक अर्चना। और उसके बाद फिर नीचे इसमें साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है, इस पर आप टैप करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन शो हो जाएगा। और यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक सबका ऑप्शन दिया हुआ है। तो जिसके लिए भी आप वीडियो को बना रहे हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो को बना रहे हैं तो 1080p ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 720p भी दिया हुआ है, तो 1080p सिलेक्ट करेंगे तो हाई क्वालिटी में आपका वीडियो बनेगा। तो इस पर आप टैप कर लेंगे और उसके बाद फिर क्रिएट मूवी का ऑप्शन जो दिया हुआ है इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप टैप करेंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा। ऊपर और नीचे इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक एक के बारे में मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है मेक मूवी का, तो ये ऑप्शन है वीडियो को सेव करने का। जब हम वीडियो को बना लेंगे तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। और दूसरा है प्ले करने का, यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं कि कैसा वीडियो बना हुआ है। तो अभी तो हम कुछ बनाए ही नहीं है तो सेव और प्ले क्या करेंगे, तो बाद में सेव करके भी देखेंगे और प्ले करके भी देखेंगे। तो ऊपर का तो हो गया, चलिए हम नीचे वाले ऑप्शंस को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है स्टिकर का, इस पर आप टैप करेंगे तो ऐसा पेज आएगा। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऐड इमेज का, तो यहाँ से आप अपने गैलरी से इमेज को ले सकते हैं। तो इस पर आप टैप करेंगे और टैप करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने इमेज वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और जिस भी फाइल से अपनी इमेज को लेना चाहते हैं उस फाइल पर आप टैप करेंगे। और टैप करने के बाद उस इमेज आप टैप कर लेंगे तो वही इमेज यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्रॉप करने का सबसे पहले ऑप्शन आएगा, मतलब कि आप कितने इमेज को लेना चाहते हैं। तो यहाँ से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं स्लाइड करके। और उसके बाद फिर इस क्रॉप वाले ऑप्शन पर आप टैप करेंगे तो इमेज यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद नीचे इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है तो सबके बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इस स्टिकर वाले ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर और दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन दोनों ऑप्शन का कोई यूज नहीं आने वाला है। और इसमें तीसरा ऑप्शन है GIP का, तो ये बहुत काम का ऑप्शन है। इस पर आप टैप करेंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि वेलकम का आपको इमेज लेना है तो यहाँ पर आप टैप करेंगे वेलकम। टैप करेंगे तो वेलकम से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा इमेज आ जाएगा, या फिर हेलो भी आप लिखते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारा इमेज आ जाएगा। और किसी भी इमेज का आप यूज कर सकते हैं लेकर के। और नीचे इसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये तो अभी गिफ्ट पर सिलेक्ट है। और उसके बाद इसमें दूसरा है इमेज का ऑप्शन, इस पर आप टैप करते हैं तो वेलकम का इमेज यहाँ पर आएगा। और इसमें तीसरा है टेक्स्ट का, इस पर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप का वेलकम यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इस पर आप टाइप करेंगे, टाइप करेंगे तो सबसे पहले तो डाउनलोड होगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा और उसके बाद अगले ऑप्शन को आप देखते हैं तो इस पर टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पर ये तो ऑप्शन हो गया, इसमें जो रीसेंट का ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे तो जो भी आप इमेज या फिर जो भी यूज करते हैं वो सारा यहाँ पर शो होता है। तो मतलब कि आपको आसानी भी होगा, यहाँ से आप सीधा ले लेंगे, आपको गैलरी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है सेप्स का, तो इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी आपको इंगित करना है तो इन सेप्स का आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। और अगला ऑप्शन है इसमें बिजनेस का, तो इस पर आप टैप करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा इमेज शो होगा, तो इन सब का आप यूज कर सकते हैं। और इस ये जो है इमेज मोशन में है, जो कि यूज करने पर काफी अच्छा लगेगा। और इसे आप स्लाइड करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर एजुकेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप टैप करेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड इसमें आपको इमेज मिल जाएगा। और इसे आप स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है,
यहाँ पर पीपल का भी ऑप्शन है, इस पर जब टैप करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पीपल्स हैं। तो ये ऊपर में जितने भी कैटेगरी दी हुई है उन कैटेगरी से किसी भी इमेज को लेकर के आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी में से एक को लेकर के अब आगे बताने की कोशिश में कर रही हूँ। तो इसे स्लाइड करेंगे नीचे, यहाँ पर कर ले रही हूँ। यहाँ पर जो भी इमेज सिलेक्ट हुआ है उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, इस पर आप टैप करेंगे। टैप करेंगे यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पर दो को मैं डिलीट कर दे रही हूँ और एक को लेकर के अच्छे से समझा रही हूँ। तो इसे ऊपर सबसे पहले कर ले रहे हैं, इस पर स्लाइड करेंगे और इसे ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कलर का, तो अभी तो इसमें ब्लैक कलर सिलेक्ट है। थोड़ा समय साइज इसका बड़ा कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर सिलेक्ट है इसे स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ये बन रहा है इमेज, ये ब्लैक कलर से बन रहा है और इसको हम कलर को चेंज करते हैं तो ये दूसरे कलर से बन जाएगा। जिस कलर को हम यहाँ पर सेट करेंगे वही कलर से बनेगा। तो इस पर टैप करेंगे, इस पर जब टैप करेंगे तो यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन दिया हुआ है कलर का, तो इस पर आप टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर इसमें कोई कलर आपको अच्छा ना लगे, दूसरे कलर से आप बनाना चाहते हैं, तो इस कस्टम वाले ऑप्शन पर आप टैप करेंगे और यहाँ से आप कलर को बना भी सकते हैं और बना करके प्रीसेट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ही छोड़ दे रही हूँ, यही सही है। और उसके बाद फिर इसमें अगला ऑप्शन है डिले का। तो ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो भी टाइमिंग यहाँ पर सेट करते हैं उतने टाइम के बाद ये जो इमेज है बनना स्टार्ट होगा। मतलब स्टार्टिंग में ये टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्टिंग में ही बनना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 सेकेंड अभी चूज है। और यहाँ से आप अगर बढ़ा देंगे टाइम को तो उतने टाइम के बाद ये बनना स्टार्ट होगा। जैसे कि इस पर आप टैप करके टाइम को बढ़ा सकते हैं और इस पर आप टैप करके टाइम को घटा सकते हैं, या फिर इस पर आप टैप करके सीधा यहाँ पर टैप भी कर सकते हैं और ओके कर लेंगे तो उतना टाइम यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 टैप कर दे रही हूँ और उसके बाद फिर इसे स्टार्ट करूंगी तो उतने टाइम के बाद ही ये देखिए पहले व्हाइट पे जा रहा है और उसके बाद ही ये बनना स्टार्ट हो रहा है। तो इसी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे मैं सबसे पहले 0 कर दे रही हूँ। और इसमें अगला ऑप्शन है ड्यूरेशन का। तो ये जो ऑप्शन है, जब दो इमेज को लेंगे तो ये पहला जो इमेज है जितना टाइम यहाँ पर सेट है उतने टाइम तक ये बनता रहेगा, उसके बाद ही दूसरा इमेज जो है बनना स्टार्ट होगा। उसी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो वीडियो जो मैं बना करके यहाँ पर दिखाऊंगी तो उस टाइम अच्छे से इसे समझा दूंगी, क्योंकि इसे समझना काफी जरूरी है, इसके बिना वीडियो अच्छे से बन ही नहीं पाएगा। तो उस टाइम मैं अच्छे से इसे समझा दूंगी। और अगला ऑप्शन है पॉज का। तो यहाँ पर तो अभी 0-0 सिलेक्ट है, इसे जब स्टार्ट करते हैं एंड में ये देखिएगा झट से ये चला जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होगा ये इमेज, देखिए चला गया। और यहाँ पर अगर टाइम यहाँ पर सेट कर देते हैं, यहाँ पर ये इससे बढ़ा सकते हैं और फिर इससे कम कर सकते हैं, सेम वही है प्रोसेस यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर टैप है और उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे तो उतने टाइम तक ये एंड में रुका रहेगा इमेज, उसके बाद ही यहाँ से जाएगा। देखिए अभी रुका हुआ है, उसके बाद ये जा रहा है। तो उसी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट जो है स्टार्टिंग में जितना टाइम आप सिलेक्ट करेंगे उतना टाइम तक, टाइम के बाद ही ये बनेगा। और ये जो पॉज का ऑप्शन है, तो एंड में जितना टाइम आप सिलेक्ट करते हैं तो उतने टाइम तक ये रुका रहेगा। तो ये तो आप समझ चुके होंगे अच्छे से, ये एंड के लिए है और ये स्टार्टिंग के लिए है। और इसमें नीचे जो ऑप्शन है ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पर जब टैप करेंगे तो ये इमेज जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो किसी भी आप एक से अधिक इमेज को ले रहे हैं और उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और इसमें अगला जो ऑप्शन है ये स्टार्टिंग में ये इमेज कैसे आना चाहिए उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि इस पर मैं टैप करके इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ तो देखिए अभी ये हैंड से बन रहा है इमेज, क्योंकि अभी ये यहाँ पर हैंड सिलेक्ट है। लेकिन इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर टैप करके दूसरे एनिमेशन को सिलेक्ट कर देते हैं, अभी देखिए डिफॉल्ट एनिमेशन सिलेक्ट है, दूसरे एनिमेशन को अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो उसी टाइप से ये इमेज आएगा और वहाँ से हैंड हट जाएगा। जैसे कि ये मैं शेक टैप कर दे रही हूँ और तो देखिए इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये उसी टाइप से हिलता हुआ ये इमेज आ जाएगा। तो उसके लिए ये ऑप्शन एनिमेशन का दिया हुआ है। और इसे आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, इस पर टैप करेंगे और डिफॉल्ट एनिमेशन पर टैप कर लेंगे तो ये हैंड से ही बनेगा, फिर वह पहले जैसा ही हो जाएगा। और इसमें अगला ऑप्शन है कॉपी करने का, इस पर आप टैप करेंगे तो सेम ऐसा ही एक और इमेज, देखिए यहाँ पर कॉपी हो गया है, इसे आप स्लाइड करके कहीं भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और ये जो है इस पर आप टैप करेंगे तो ये फ्रंट और बैक और मतलब कि पीछे करने के ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि इसे ये सिलेक्ट है, इसे मैं अभी पहले छोटा कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ, इसे छोटा कर दे रही हूँ। छोटा करने के बाद देखिए इसे ऊपर यहाँ पर रखेंगे और इस पर जब टैप करेंगे तो अभी तो ये ऊपर है ही, ठीक है, इस पर टैप करेंगे सेकेंड ऑप्शन पर तो ये पीछे चला जाएगा, इसके बैक में चला गया और ये जो बड़ा वाला है ऊपर आ गया। और फिर इस पर टैप कर लेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा और ये जो है पीछे चला जाएगा बड़ा वाला, इसी के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं और इमेज से ऊपर रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप ऊपर रख सकते हैं, या फिर नीचे रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से नीचे कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
और ये जो अगला ऑप्शन है तो ये अभी ध्यान दीजिए, देखिए ये जो हैंड है राइट हैंड ऊपर है और लेफ्ट हैंड नीचे है, इस ऑप्शन पर टैप करते ही ये हैंड जो है चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुका है पूरा का पूरा, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस का कैसे यूज करना है ये तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और यहाँ से आप साइज को बढ़ाया छोटा कर सकते हैं, इस पर आप टैप करेंगे आगे की तरफ तो ये बड़ा हो जाएगा, और इधर की तरफ टैप करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप ओके कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें कोई एडिट करना हो तो इस इमेज पर आप टैप करेंगे, फिर से सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये प्लस का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे तो एक नया पेज यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि इस पेज में आप पूरा इमेज ले चुके हैं और आगे आपको और इमेज लेना है तो अगले पेज को इस प्लस पर टैप करके ले सकते हैं, और इसमें आप इमेज को लेकर के वीडियो को बना सकते हैं। तो ये जो स्टिकर का ऑप्शन है ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का, तो इस पर आप टैप करके यहाँ पर आपको जो भी टैप करना है उसे आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाई टैप करना है तो आप यहाँ पर हाई टैप करेंगे, और टैप करने के बाद इंसर्ट का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया है, इसे आप स्लाइड करके कहीं भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन है इससे आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इस पर आप टैप करेंगे और यहाँ पर काफ़ी सारा फॉन्ट आप स्लाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो इसमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं और चूज करके आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ये जो है कलर का है, तो इस पर आप टैप करके इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कस्टम का भी ऑप्शन है, अगर इसमें कोई कलर आपको अच्छा ना लगे तो इस कस्टम वाले ऑप्शन पर टैप करके खुद से कलर आप बना भी सकते हैं, इस पर आप टैप करेंगे और प्री सेट पर टैप कर देंगे और उसके बाद फिर सिलेक्ट कर लेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर है टेक्स्ट के साइज को बड़ा करने का ऑप्शन है, इससे भी आप बड़ा कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे बड़ा होगा, और इससे आप छोटा कर सकते हैं सीधा, आप यहाँ पर टैप करके यहाँ पर टैप भी कर सकते हैं जितना आपको करना हो, यहाँ पर जैसे कि आप 300 या फिर 200 टैप कर लेंगे और उसके बाद फिर ओके पर टैप कर लेंगे, ये साइज इसका बड़ा हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है अभी तो इस पर टैप है, इस पर टैप करेंगे तो जैसे कि यहाँ से मैं साइज को इसका बड़ा कर रही हूँ, यहाँ से टेक्स्ट के साइज बड़ा होता है और यहाँ से ये जो बॉक्स है इसका साइज बड़ा होता है, जैसे कि देखिए इतना बड़ा हो गया है बॉक्स का साइज, और इस पर टैप करेंगे तो ये तो साइड में है ही, और इस पर टैप करेंगे ये बीच में आ जाएगा, और इस पर टैप करेंगे तो राइट साइड में ये आ जाएगा, इस पर लेफ्ट में आएगा, तो इसी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगला ऑप्शन इसमें है पेंसिल का, तो इस पर आप टैप करके एडिट कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर टैप किए हुए हैं और इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं लिख करके आप इंसर्ट पर टैप कर लेंगे तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। और इसमें अगला ऑप्शन राइट करने का है, आप पूरा एडिट कर लेते हैं तो राइट कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। और अगला ऑप्शन इसमें है डिले का, तो वही सेम है जैसे कि इस इमेज में था कि डिले पर आप टैप करेंगे और उसके बाद जितना टाइम के बाद ये आना है स्टार्टिंग में उसी के लिए ये है, स्टार्टिंग में कितने टाइम के बाद इस टेक्स्ट को लाना चाहते हैं उसके लिए ये है। और ड्यूरेशन का है, तो मान लीजिए दो इमेज या फिर टेक्स्ट है तो कितने टाइम बीच में होना चाहिए, मतलब कि ये वाला उतना टाइम लगेगा लिखने में और उसके बाद फिर अगला जो लिखे हैं वो स्टार्ट होगा इसके बाद, तो उसी के लिए ड्यूरेशन है सेम इमेज के जैसा ही है। और पाउस का है, तो एंड में कितने टाइम तक ये बनना चाहिए, मतलब कितने टाइम के बाद ये जाना चाहिए बनने के बाद, तो उसके लिए है। ये तीनों ऑप्शन और नीचे जितना भी ऑप्शन है इस इमेज में ही मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो इसे मैं अभी ओके कर दे रही हूँ क्योंकि इसमें सेम है, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगला ऑप्शन इसमें है बैकग्राउंड का, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन होगा, सिलेक्ट कलर का और सिलेक्ट इमेज का। सिलेक्ट कलर पर टैप करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कलर ओपन हो जाएगा, तो अभी व्हाइट सिलेक्ट है इसलिए इस पेज का कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड इसका व्हाइट है। यहाँ से आप कस्टम कलर पर टैप करके दूसरा कलर भी बना सकते हैं, चूज कर सकते हैं और प्री सेट पर टैप कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैं रेड टैप कर दे रही हूँ तो इसका बैकग्राउंड जो है रेड हो जाएगा, इस पर टैप करेंगे और उसके बाद फिर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे, देखिए इसका बैकग्राउंड जो है रेड हो गया। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे ये दूसरा जो पेज है इस पर भी टैप करेंगे तो इसका कलर भी रेड हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर रेड हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज का रेड हो और दूसरे पेज का कलर दूसरा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आगे अभी बताऊंगी। यहाँ से आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे तो सारे पेज का कलर मतलब रेड हो जाएगा, एक जैसा ही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन इसमें है हैंड का, तो इस पर आप टैप करेंगे और यहाँ से आप हैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये हैंड सिलेक्ट है तो अभी हम वीडियो का स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये जो वीडियो बन रहा है इमेज तो इसी पेन से हैंड से बन रहा है देखिए। और लेकिन यहाँ पर अगर
दूसरे आप हैंड से बनाना चाहते हैं, पेंसिल से बनाना चाहते हैं या फिर दूसरे हैंड से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल मैं अभी सिलेक्ट कर ले रही हूँ और यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो ये इमेज जो है पेंसिल से बनता हुआ नजर आएगा। देखिए पेंसिल से बन रहा है, तो यहाँ से आप हैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, पेंसिल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हैंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें है म्यूजिक का, इस पर जब टैप करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन शो होता है, म्यूजिक ट्रैक का, वॉइस ओवर का और एक है गैलरी का। वॉइस ओवर पर आप टैप करके अपनी वॉइस को यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस पर वीडियो को बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है म्यूजिक ट्रैक का, तो इसे आपका गैलरी ओपन होगा और गैलरी से अपने वॉइस को ले सकते हैं और इससे भी गैलरी से अपने वॉइस को ले सकते हैं, सेम है दोनों ऑप्शन। तो इस पर जब टैप करेंगे आपका गैलरी ओपन होगा और यहाँ से आप ऐड वाले सेक्शन पर जाएंगे और जाने के बाद अपने वॉइस को आप ले सकते हैं और उस पर वीडियो को बना सकते हैं, इसी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो सारा ऑप्शन खत्म हो गया, इसे आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, जिस भी पेज पर हम टैप करते हैं वहाँ पर एक थ्री लाइन का, थ्री डॉट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें भी देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन है। तो इस पर जब टैप करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, तो इस पर आप टैप करके अपने वीडियो को देख सकते हैं। इस पर आप टैप करेंगे, देखिए ये बन रहा है, तो इसी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन ये है कि जब आप अपने सॉन्ग को या ऑडियो को ऐड करते हैं तो ऑडियो यहाँ से सुनाई नहीं देगा, सिर्फ आप देख सकते हैं कि कैसा आपका ये वीडियो बना हुआ है, इस पेज का वीडियो मतलब बना हुआ है। और अगला है कॉपी पेज का, तो जैसे कि एक इमेज को तो कॉपी करना है तो इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से तो आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेज आप बना चुके हैं और उसे पूरा पेज को आप कॉपी करना चाहते हैं, सेम वही पेज कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉपी पेज कर सकते हैं, सेम वैसा ही एक और पेज कॉपी हो जाएगा। अब इसमें अगला ऑप्शन है ऐड ऑडियो का, तो यहाँ से आप ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रिकॉर्ड एलिमेंट का, तो इस पर जब टैप करेंगे यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड हुआ है और एक इमेज ऐड हुआ है, तो इसे आप ऊपर करना चाहते हैं और उसे नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसे आप स्लाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इसी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें अगला ऑप्शन है सिलेक्ट बैकग्राउंड इमेज का, तो इस पर आप टैप करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। जैसे कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो इस पर जब टैप करते हैं, जैसे कि इस इमेज पर टैप कर दे रही हूँ मैं, और यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर टैप करना है या फिर इसे क्रॉप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, अब ये दूसरा जो पेज था इसका चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि एक पेज का आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से चेंज करते थे तो पूरा जो पेज है उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता था, तो ये जो ऑप्शन है तो यहाँ से आप एक पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर का, तो इस पर टैप करेंगे तो काफ़ी सारा कलर यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसमें से किसी को आप सिलेक्ट करके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसमें अगर कलर आपको अच्छा ना लगे तो कस्टम पर टैप करेंगे और यहाँ से आप कलर को चूज कर सकते हैं और प्रीसेट्स पर टैप कर लेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी तो इसमें व्हाइट सिलेक्ट है, तो यहाँ पर सिलेक्ट पर टैप करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, देखिए इसका कलर व्हाइट हो गया है, बैकग्राउंड का कलर व्हाइट हो गया। अब इसमें अगला ऑप्शन है ऐड आउट एनिमेशन का, तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड में देखिएगा ये पूरा सीधा ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन इसमें से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, देखिए सीधा जा रहा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऐड आउट एनिमेशन का, तो इस पर जब टैप करेंगे तो यहाँ पर फेड आउट राइट सिलेक्ट है, तो इसमें से किसी दूसरे को सिलेक्ट करके इसके एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिप आउट वाई सिलेक्ट मैं कर दे रही हूँ, तो ये जो वीडियो है एंड होगा तो सेम वैसे ही एंड होगा उसी तरीके से जो अभी सिलेक्ट हुआ है, तो एंड में देखिएगा ये किस तरीके से जाएगा, देखिए उसी तरीके से ये जा रहा है, तो यहाँ से आप आउट एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन है डिलीट का, तो इस पेज को आप यहां से डिलीट कर सकते हैं, तो दूसरे पेज को मैं डिलीट करके दिखा रही हूं, इस पर टैप करेंगे और डिलीट पर टैप कर लेंगे तो ये पेज जो है इस पर टैप कर देंगे तो ये पेज जो है दूसरा पेज डिलीट हो चुका है। अब यहां पर पेज लेना हो तो इस पर टैप करके पेज को ले सकते हैं, यहाँ पर टू और थ्री पेज आ चुका है। तो इस तरीके से आप पूरे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को कैसे बनाना है उसे अब बता रही हूँ, तो वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ तो म्यूजिक को ऐड करना पड़ेगा, तो म्यूजिक को ऐड करने के लिए इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ से गैलरी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ से ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप ढूंढ भी सकते हैं या फिर जो भी ऑडियो या फिर म्यूजिक का आपका नेम है उसे आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद उस पर आप टैप करेंगे तो म्यूजिक यहाँ पर आ जाएगा, इसका आवाज़ यहाँ से कम या अधिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप आपको अगर अच्छा ना लगे तो डिलीट भी कर सकते हैं, इस राइट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे ये म्यूजिक है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इसे यहाँ से स्टार्ट करके सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर है नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जाने के बाद ऐड इमेज पर टैप करेंगे या फिर रिसेंट में अगर आपका है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं
गैलरी से ही ले रही हूँ। सबसे पहले ऐड इमेज पर टैप करेंगे या फिर इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर वेलकम सर्च कर लेंगे, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर वेलकम पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ से इस इमेज को मैं ले रही हूँ। लेने के बाद ये डाउनलोड होगा और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये आ चुका है। तो इसके साइज को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। मैं ऐसे ही इसे अच्छे समझा दे रही हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर है ये जो ड्यूरेशन है, तो इसे कम करना पड़ेगा, तभी से राइट कर देते हैं। आगे है इसमें टेक अर्चना चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर टेक अर्चना का लोगो लेना पड़ेगा। तो स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ऐड इमेज पर टैप करेंगे। टैप करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगा, तो इस पर टैप करेंगे और इमेज वाले सेक्शन पर जाएंगे। और जाने के बाद यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर ले रही हूँ। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद इसे स्लाइड करेंगे और उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा और इसे यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर टैप कर लेंगे तो ये ओके हो जाएगा। तो इसे सबसे पहले मैं पहले छोटा इसे कर ले रही हूँ और छोटा करने के बाद इस क्रॉप वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो इतना ही इमेज यहाँ पर ये आएगा। और आने के बाद इसे इधर की तरफ रख लेंगे। ये जो इमेज है काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इसकी साइज को यहाँ से छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। अब इसे स्टार्ट करके देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, टेक अर्चना चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि इस तरह इमेज पहले ही बन जा रहा है और वॉइस जो है लंबा हो जा रहा है, तो इसे कैसे ठीक करेंगे। इस पर टैप करेंगे एक इमेज पर और टैप करने के बाद ये जो ड्यूरेशन है इसे कम करेंगे, पूरा कम कर लेंगे। पूरा यहाँ पर 5 या फिर 6 रखेंगे, यहाँ पर मैं 5 कर दे रही हूँ। और उसके बाद इसे भी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसे भी यहाँ से 5 कर लेंगे। 5 करने के बाद इसे यहाँ से राइट कर लेंगे और राइट करने के बाद फिर से मैं स्टार्ट करके देख रही हूँ अच्छा बना या नहीं। नमस्कार दोस्तों, टेक अर्चना चैनल में आपका। तो अब तो ये ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो इसे यहाँ से 6 कर लेंगे। इसी के लिए ड्यूरेशन का जो ऑप्शन है इसी के लिए दिया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब ये अच्छा से सेट हो चुका होगा, इसे फिर से स्टार्ट करके देख लेते हैं। अब नमस्कार दोस्तों, टेक अर्चना चैनल में आपका स्वागत। अब तो ये ठीक है, थोड़ा सा और भी ड्यूरेशन को इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 कर लेंगे और इसे भी 7 कर लेंगे। अब ये पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगा। अब इसे राइट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया। अब अगर यहाँ से अब इसके हैंड को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद ये जो है अच्छा है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसी से ये बनेगा। अब इसके बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर टैप करेंगे और टैप करके सेम वैसे ही यहाँ से गैलरी से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद इस पर जाएंगे और जाने के बाद फिर यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से राइट कर लेंगे। तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा, बैकग्राउंड इसका सिलेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये जो पेज है फुल हो चुका है, अगला पेज लेना है तो इस प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ पर एक और पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे इसमें वीडियो को बनाना है, तो यहाँ पर आगे है कि मैं आपसे शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि। तो यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से गैलरी से इमेज को ले सकते हैं या फिर यहाँ पर भी ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर रिसेंट वाले ऑप्शन पर टैप कर रही हूँ, पहले मैं जो यूज़ करी हूँ उसी को ले रही हूँ। यहाँ पर देखेंगे किसी इमेज को ले लेंगे, यहाँ से मैं इस इमेज को ले रही हूँ, यही अच्छा है। तो इसे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसका भी ड्यूरेशन काफ़ी कम कर लेंगे, 5 या 6 इतना ही आपको रखना है। इतना आप रखेंगे तो अच्छे से ये बन जाएगा। यहाँ पर मैं 7 कर दे रही हूँ और उसके बाद फिर राइट और यहाँ पर शेयर करूँगी कि। तो यहाँ पर फिर से टाइप करेंगे, रिसेंट पर टाइप करेंगे, यहाँ पर शेयर वाले ये जो इमेज है इसे ले रही हूँ और उसके बाद इसे स्लाइड करेंगे, इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसका भी ड्यूरेशन यहाँ से कम कर लेंगे और उसके बाद फिर राइट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं अच्छा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, टेक अर्चना चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि इस तरह का एनिमे। तो अब तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा, काफी लंबा हो जा रहा है। तो यहाँ से इसके ड्यूरेशन को 5 और इसके भी ड्यूरेशन को यहाँ से 5 या 6 और उसके बाद फिर राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद अगला पेज लेंगे तो इस प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ पर इमेज को लेंगे। तो आगे इसमें है कि इस तरह का एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, उस तरह का इमेज यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए स्टिकर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, ऊपर का जो ये ऑप्शन है अब इसका यूज करेंगे। तो इसे स्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पर स्टिकर मिल जाएगा। तो कम्युनिटी हेल्पर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस सेक्शन में भी काफ़ी सारा इमेज अच्छा अच्छा दिया हुआ है। इस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बड़ा करके अच्छे से सेट कर लेंगे। 2-3 इमेज यहाँ पर ले लेंगे ताकि अच्छा लगे और राइट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे
और फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर स्लाइड करेंगे इसे, और स्लाइड करने के बाद इस पर टैप करेंगे। यहाँ पर एक और इमेज, यहाँ पर ये वाला ले ले रही हूँ, और लेने के बाद इसके साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और बड़ा करके इसे यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर एक और एरो लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ताकि शो होगा कि इस तरह का एनिमेशन वीडियो। तो यहाँ पर शेप्स वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, इसमें काफ़ी सारा एरो दिया हुआ है, तो इसमें ये वाला एरो अच्छा है। इसे स्लाइड करेंगे, अगर इसका कलर चेंज करना हो तो इस पर टैप करेंगे, और टैप करके इसे कलर को चेंज कर सकते हैं। यही सही है, छोड़ दे रही हूँ, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद ठीक है अब ये। और यहाँ से ड्यूरेशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी वॉइस जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि 3 इमेज यहाँ पर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर 5-6 सबके ड्यूरेशन को कर लेंगे, सारे इमेज के ड्यूरेशन को 5-6 करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर हैंड चेंज करना हो तो कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड चेंज करना हो तो इस पर भी टैप करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कर सकते हैं, आप इसे अच्छे से देख लेंगे। अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। नमस्कार दोस्तों, टेक अर्चना चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि इस तरह का एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। तो ये पूरा वीडियो अच्छे से बनकर के तैयार हो चुका है, इतना में तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे किस ऑप्शन का यूज करना है और कैसे वीडियो को बनाना है। ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, आप इसका यूज करेंगे तो आप काफी आसानी से इसमें वीडियो को बना सकते हैं। तो अब इस वीडियो को गैलरी में सेव करना है, पर इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इस ऐप को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन शो रहा है, यहाँ पर तो शेप्स का ऑप्शन आपको उसमें भी देखने को मिल जाएगा, पर ये बिजनेस का जो ऑप्शन है सारा ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें यहाँ पर प्रो लिखा हुआ मिलेगा, और उस पर आप टाइप करेंगे तो ऐप परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, इसमें से किसी भी इमेज का यूज नहीं कर पाएंगे। यूज करने के लिए आपको ये ऐप परचेज करना पड़ेगा। पर रुकिए, पहले मेरा पूरा बात सुन लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें, वहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑफिशियल अर्चना सर्च करके भी विजिट कर सकते हैं। तो आप जरूर जाए टेलीग्राम चैनल पर, जाने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो ये वीडियो तो पूरा बन करके तैयार हो चुका है, अब इसे गैलरी में सेव करना है। तो सेव करने के लिए ये मेक मूवी का जो ऑप्शन है, इस पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा मूवी का नाम, तो यहाँ पर कुछ भी टैप कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में जो आप टैप किए हैं उसे भी आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। टैप करने के बाद मेक मूवी का जो ऑप्शन है, इस पर आप टैप करेंगे तो ये वीडियो आपके गैलरी में सेव होने लग जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सेव हो रहा है, तो इतना देर तक आप इसे यहाँ पर रुके रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर नीचे एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर आप टैप कर लेंगे तो ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एनिमेशन वीडियो को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।